इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ आक्रोश है। मुस्लिम उलेमाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आक्रोश जताया। शहर काजी की अगुवाई में मुस्लिम समाज ने ज्ञापन दिया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में अभद्र टिप्पणी करने वाले महंत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। महाराष्ट्र के महंत रामगिरी महाराज ने पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी की थी। कलेक्टर आज कन्नौज के मुसलमान और उनके नुमाइंदे काजी शहर और दीगर जितने भी कन्नौज की मस्जिदों के इमाम उलमा मसाजिद और दीगर तमाम शहर के जिम्मेदार इसलिए आए हैं कि महाराष्ट्र के महंत ने जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है उस शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हमारी मांग है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जैसे कि SC ST एक्ट है, जैसे उनके लिए कानून बनाया गया ऐसी अल्पसंख्यक के लिए बनाया जाए ताकि ऐसे लोगों को आइंदा ये काम करने की जरूरत ना हो, क्योंकि ये लोग आए रोज दिन ब दिन कुछ ना कुछ अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, पैगंबर साहब के खिलाफ इन्होंने एक अपना एक आदत बना ली है और जो चाहता है जब मुंह उठा के कह देता है, कभी सोशल मीडिया पे, कभी अपने निजी प्रोग्रामों में। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे ही होना चाहिए जैसे देश विरोधी कानून पे कार्रवाई की जाती है, ऐसे ही इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। मुसलमानों को बड़ी तकलीफ है और ये तकलीफ ऐसी है कि इसको टाला नहीं जा सकता। अगर ये लोग नहीं रुके तो फिर मुसलमान मजबूर होंगे कानून का सहारा लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में हम लोग इनके लिए हम घर से लेकर के कानून के दरवाजों तक जो दरवाजा होगा उसे खटखट आएंगे और हर कानून की हर चीज को अपनाएंगे। मुकदमे भी हम हर चीज लड़ने के लिए इस मैदान में इनके लिए उतरेंगे, क्योंकि बुरे को रोकना ये समाज को सुथरा करना है।